हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का मैथ डॉटर के जी सी नवू की एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 2.1 का सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हो चुका है। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन में या तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल लगातार प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद वाले प्रश्न का भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न आपका कहता है, निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करें और शून्यको और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो दो होते हैं। तो चलिए दो शून्य कौन कौन है ये प्रश्न का आपको शून्यक निकाल लेना। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और एक बार इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब शून्यक निकालने के लिए बराबर में आपको क्या करना होगा? जीरो करना होगा। अब इसको क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो देखिए, एक है एक्स स्क्वायर और एक है माइनस थ्री, और एक माइनस थ्री को क्या कीजिए, आप बराबर के दूसरे पक्ष में भेज देते। इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा, प्लस में थ्री हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग को क्या करना है, बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजा जाता है तो रूट में हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट थ्री, और ये प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है एक्स बराबर आपका दो, यहाँ पे आंसर आएगा एक, आएगा एक्स बराबर प्लस रूट अंडर थ्री, और एक आएगा एक्स बराबर माइनस रूट अंडर थ्री। यहाँ पे आपका दो शून्य आ चुका है, एक पहला शून्य का आपका अल्फा यानी कि प्लस रूट थ्री, और एक होता है बीटा माइनस रूट थ्री, यानी कि अल्फा का यहाँ पे आ चुका है और बीटा का आ चुका है। अब इसके बीच में संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, जहां b आपका क्या है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और इसमें x का गुणांक है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0 होगा। और आगे देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए, जहां c क्या है, अचर होता है, जो बिना x वाला होता है उसको अचर बोलते हैं, ठीक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसी के बीच में आपको संबंध ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे ए निकाल लें, ए क्या होता है, यहाँ पे a बराबर आप क्या निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक को बोलते हैं a, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 है। अब b निकालना है तो b किसको बोलते हैं, x का गुणांक, तो एरम x का गुणांक नहीं है तो आपका 0 हो जाएगा। c c कौन है, अचर, यानी कि c कौन है, माइनस थ्री आपका हो जाएगा, c बराबर माइनस थ्री, बिना x वाला माइनस थ्री। अब आपको इसके बीच में संबंध ज्ञात करना, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई। अल्फा का मान आपका यहाँ पे प्लस रूट थ्री दिया हुआ है, तो रूट प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पे दे दीजिए, और बीटा का मान आपका माइनस रूट थ्री है, तो यहाँ पे माइनस रूट अंडर थ्री हो जाएगा, बराबर माइनस बी बाई है। बी का वैल्यू आपका जीरो है, यानी कि माइनस जीरो हो जाएगा, बट्टा ए का वैल्यू आपका वन है तो वन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, रूट थ्री में से रूट थ्री जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बराबर इधर में भी आपका जीरो आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया शून्यकों का योग बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट अंडर थ्री हो जाएगा, प्लस रूट अंडर थ्री और इंटू हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री, और बराबर सी बाई ए, सी का वैल्यू आपका क्या है, माइनस थ्री है, और ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो वन है, यहाँ पे हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट तीन में आपका क्या होगा, तीन से गुना, रूट तीन इंटू रूट तीन है, तो ये क्या हो जाएगा, तीन आएगा, माइनस थ्री, और बराबर में इधर क्या है, माइनस थ्री, बराबर में इधर क्या है, माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये आपका इधर में भी माइनस थ्री और इधर में भी माइनस थ्री, तो दोनों आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए? तो ये आपका क्या हो गया, वन का आंसर आ चुका है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का दो। क्वेश्चन नंबर वन का दो में आपका वही प्रश्न आपको बोल रहा है, सिर्फ यहाँ पे प्रश्न चेंज है। कह रहा है 2x² - 8x + 6 का पहले शून्य ज्ञात करें और इसके शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच में आपका जो भी होता है रिलेशन उसको सत्यापन करना है। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 8x और प्लस में 6 हो जाएगा, और बराबर में आप 0 कर दे, ठीक है। अब इसको गुणनखंड आना चाहिए, आपको गुणनखंड निकालने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, दो है, और यहाँ बिना एक्स वाला कौन है, छह, तो इसमें इससे गुना होता है, गुणनखंड निकालने, तो छह दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि आपको जोड़कर या घटाकर -8 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो मतलब कहते हैं 6 × 2 = 12 हो जाता है, तो 6 × 2 = 12 और 6 × 2 = 8, अगर जोड़ते हैं 6 और 2 को तो 8 हो जाता है। अब हमको -8 लाना है, तो यहाँ पे -6 रखना होगा और -2 रखना होगा, यहाँ प्लस में 12 लाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x² - 2x और -6x हो जाएगा, और प्लस में फिर से 6 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें, तो 2x कॉमन कर लो, 2x बच जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स का पावर दो है, यहाँ एक्स का पावर एक कॉमन हो गया तो एक बच गया एक्स, माइनस यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे दो एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वन बचेगा, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है तो छः कॉमन हो रहा था, यहाँ छः ले लें, यहाँ पे छः एक्स था माइनस सिक्स एक्स था, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस में वन बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, सॉरी प्लस में एक्स बच जाएगा सिर्फ एक्स। अब यहाँ देखो प्लस था माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, छः था छः कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो वन और बराबर में जीरो। इसको आप क्या करेंगे, दो एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा और एक और क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और बराबर में जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करें, एक बार आप क्या करें दो एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो लें और एक बार क्या करें एक्स माइनस वन बराबर जीरो लें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो एक्स बराबर इधर प्लस में सिक्स है तो उधर में माइनस, सॉरी इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे निकालिए एक्स बराबर वन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स बराबर जब निकालेंगे तो तीन आएगा क्योंकि छः है और दो है इधर भाग में, तो तीन दूनी छः कट जाएगा, ठीक है, तो तीन दूनी छः एक्स बराबर यहाँ पे थ्री आ गया और यहाँ एक्स बराबर क्या आ गया वन आ गया। तो ये हमारा अल्फा और बीटा का मान आया, शून्यकों का यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान हो चुका है, यानी कि द्विघाती बहुपद के दो सूत्र होते हैं, दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा का मान थ्री और बीटा का मान वन। अब इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करें, तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है दो हो जाएगा। बी निकालेंगे, बी किसको बोलते हैं तो एक्स का गुणांक को कहते हैं, तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस आठ है। सी हमको बिना एक्स वाला कितना है छः है, तो सी बराबर छः हो जाएगा। अब इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान रखिए, अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाएगा यानी कि थ्री और प्लस वन हो जाएगा और बराबर में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और बी का वैल्यू कितना है माइनस आठ है तो माइनस आठ हो जाएगा और बट्टा ए का वैल्यू आपका कितना है दो तो दो हो जाएगा और तीनों में कितना हो गया चार और बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस यानी कि आठ बट्टा दो हो जाएगा, ये भी कट जाएगा चार, इधर में भी चार आ गया और इधर में भी चार आ गया, यानी कि आपका प्रूव्ड हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। अब उसी तरह से गुणांकों का संबंध में याद करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है, अल्फा का मान आपका थ्री दिया हुआ है और बीटा का मान वन दिया हुआ है इक्वल टू सी का मान आपका छः है, ठीक है, और बट्टा में ए का मान कितना है दो है, तो तीन एकम तीन हो जाएगा बराबर, यहाँ से कट जाएगा तीन मरतबे और ये भी तीन आ गया, एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका संबंध सत्यता की जांच हो गया। नेक्स्ट आपको देखो क्वेश्चन नंबर वन का थ्री में, इसका सबसे पहले शून्यक निकालें, शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ बराबर क्या करें जीरो कर दे। अब यहाँ पे क्या करें इसको गुणनखंड ज्ञात करें, आठ को इस प्रकार से तोड़ना कि माइनस दो आ जाए, तो आठ को यहाँ पे सबसे पहले आपको एलसीएम लगाएं तो दो चको आठ होगा यानी कि चार में से दो घटा दो तो आपका दो आ जाएगा, तो पहले माइनस यहाँ पे चार रखना होगा प्लस दो रखना होगा, ये आपको गुणनखंड आना चाहिए तभी आपसे ये प्रश्न ऐसा बन सकता है। गुणनखंड यहाँ पे तोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस दो एक्स, यहाँ पे देखो चार माइनस में है और प्लस में दो एक्स है तो चार में से दो जाएगा तो दो बचेगा वो भी माइनस में क्योंकि बड़ा संख्या कौन है चार है और प्लस ये है दो, यहाँ पे माइनस आठ है तो माइनस आठ छोड़ दो इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या करो एक्स कॉमन कर लो, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस चार बच जाएगा और यहाँ पे प्लस दो कॉमन कर लो, यहाँ पे एक्स बच जाएगा और माइनस यहाँ भी चार बच जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक हो जाएगा एक्स प्लस दो और एक हो जाएगा एक्स माइनस फोर, ठीक है, बराबर में आपको जीरो ही रहने दो। एक बार लिखो एक्स प्लस दो बराबर जीरो और एक बार लिखो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा माइनस दो और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा फोर, यानी कि अल्फा बराबर आपका आया है माइनस दो और बीटा बराबर आया है आपका चार, ठीक है, जरूरी नहीं कोई भी अल्फा बराबर हो सकता है कोई भी बीटा बराबर हो सकता है। अब यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ए और बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा ए आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कुछ नहीं तो वन है, बी आप निकालेंगे तो बी का वैल्यू एक्स का गुणांक होता है माइनस दो दिया होता है माइनस दो हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस आठ हो जाएगा। अब यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान यहाँ माइनस दो है तो माइनस दो हो जाएगा, प्लस बीटा का मान है चार तो चार हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू कितना माइनस दो है तो माइनस दो हो जाएगा ब्रैकेट में रखो और ए का वैल्यू यहाँ पे वन है तो वन रखो और यहाँ पे घट जाएगा तो आपका दो आ जाएगा बराबर, इधर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर भी दो आ जाएगा, एल एच एस बराबर है आर एच एस के, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो ये हो गया आपका प्रूफ है, ठीक है।
चलो आगे है, यहाँ पे देखो इनके गुणांकों के बीच अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, यानी कि अल्फा का मान यहाँ पे -2 दिया हुआ है इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 4, सी का वैल्यू यहाँ पे -8 दिया हुआ है और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और बराबर में इधर में -8 हो जाएगा। एल एच एस बराबर है आर एच एस के, ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1 का 4। 1 का 4 में आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न वही है सिर्फ आपका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 का 4 में कह रहा है 3x² + 5x - 2, इसका शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे लिख ले 3x² + 5x - 2 = 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और बिना एक्स वाला से गुना करना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा +5 आवे, तो 5 एकम 5 सॉरी 6 6 एकम 6 और 6 में से 1 घटा दे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि हमको माइनस में गुना करके भी लाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 3x² कर दें और यहाँ पे कर दें +6x और माइनस कर दे x और यहाँ -2 हो जाएगा = 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 1 5 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एकम 6 हमको लाना भी है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3x कॉमन कर ले, 3x कॉमन हो जाएगा तो इसमें x बच जाएगा, प्लस में यहाँ 3 दूनी 6 यानी कि 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x आपका कॉमन हो गया। माइनस यहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 होगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन हो चुका है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर में इधर 0 हो जाएगा। अब आगे काम करो, देखो 3x हो जाएगा ये और -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x +2 हो जाएगा और बराबर में इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब यहाँ पे क्या करें, एक बार लिखे 3x - 1 = 0 और यहाँ पे हो जाएगा x + 2 = 0। अब यहाँ पे क्या करें 3x बराबर आपका हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर हो गया 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x = -2, यानी कि अल्फा का मान 1 हो जाएगा 1/3 और बीटा का मान हो जाएगा -2, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, अल्फा और बीटा का तो मान निकल गया है और ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी सी का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ए का मान आपका क्या हो जाएगा ए बराबर x² का गुणांक 3 हो जाएगा और बी बराबर यहाँ पे x का गुणांक यानी कि 5 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, शून्यकों के योग बराबर ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे आपका वैल्यू आया हुआ है 1/3 हो जाएगा अल्फा का मान और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दें और माइनस में आपका 2 दिया है -2 बराबर। बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस है तो माइनस, तो बी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा और ए का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करें, एलसीएम कर ले, कुछ नहीं बटम तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस माइनस तो 1 हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और बराबर -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटा देते, यहाँ भी आ जाएगा -5/3 और बराबर मीटर में आ जाएगा -5/3। एल एच एस बराबर है आर एच एस के, इसलिए ये भी हो जाएगा प्रूव्ड। अब आगे निकालो इनके गुणांक, तो इनका गुणांक क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहाँ देखो अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा, यानी कि 1/3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा इंटू -2 बराबर, सी का मान आपका दिया -2 और बट्टा ए का मान आपका 3 दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और बट्टा का 3 और इधर में आ जाएगा -2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। 1 का 5 में यहाँ पे देखिए 3x² - x और -4 हो जाएगा। अब इसका क्या करें आप सॉल्यूशन, सबसे पहले शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3x² - x और -4 और = 0। अब 4 3 12 हो जाएगा, 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका 1 आ जाए, अब गुना करने पर -12 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करें, 4 में से 3 को गुना कर दे और 4 में से 3 को घटा दे, आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यह हो जाएगा 3x² - यहाँ पे लिख दें माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ कर दे +3x और -4x कर दो और -4 और बराबर में 0। देखो 4 3 कितना होता है 12 और 4x में से +3x जाएगा और माइनस में कौन है, बड़ा कौन है -4 और छोटा कौन है +3, तो घटेगा तो माइनस में ही आएगा। यहाँ पे आप गुना सॉरी दोनों में कॉमन कर ले, 3x हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे x बच जाएगा प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस दोनों में आपका क्या कॉमन होगा 4 कॉमन होगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ पे हो जाएगा x + 1 बराबर में आपका 0।
यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x-4 = 0, यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा 4/3। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x बराबर, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस में आएगा 1, यानी कि अल्फा का मान आपका आ चुका है 4/3 और बीटा का मान आपका आ चुका है -1, ये आपका शून्य हो गया। अब इसके बीच में सत्य था कि जांच करना, तो सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो ए बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, बी बराबर आपका होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है और माइनस में तो माइनस में जाएगा। सी का मान यहाँ पे अचर वाला यानी कि -4 हो जाएगा। अब इनके गुणनफल, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, पहले योग याद करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आपका हो जाएगा 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, बीटा का मान आपका -1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बराबर -b, यहाँ पे माइनस रह जाएगा और b का वैल्यू आपका -1 है तो -1 हो जाएगा। a का मान आपका यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लें, 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, सॉरी गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 1 में से 4 से गुना होगा तो 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भागा देंगे तो 3 3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 हो जाएगा, 1/3, यहाँ पे घटा दो 4 में से कितना गया 3 गया तो 1 बचा, 1/3 बराबर 1/3, ये आपका सत्यता की जाँच हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करना है, गुणनफल निकालो, तो गुणनफल में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा का मान आपका दिया हुआ है 4/3 और गुना बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ है -1, तो -1 हो जाएगा, बराबर c का वैल्यू यहाँ पे -4 दिया हुआ है और a का मान आपका 3 हुआ है, माइनस यहाँ पे 4 में से 1 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 3, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/3, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 का 6, 1 का 6 में आपका इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 7x और प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर में 0। 10 को इस प्रकार से तोड़ना कि हमारा जोड़ करके कितना आ जाए 7, तो पाई दूनी 10 और पाई दो 7 हो जाता है, यहाँ पे लिख लें x² + 5x + 2x, प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन कर लें, यहाँ x हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आप कॉमन कर लेते, यहाँ x और प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा, पाई दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 2 × x + 5 बराबर में आपका 0 हो जाएगा। x का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आपका -2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, x = -5, यानी कि अल्फा का वैल्यू आपका आया है -2 और बीटा का वैल्यू आया है -5। यहाँ पे शून्य को का गुणनफल और योगफल ज्ञात करें, जांच करना तो अल्फा प्लस बीटा आगे निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए -b/a है तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7 है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले लिखो -2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2, बीटा का वैल्यू -5 है तो -5 हो जाएगा। अब -b कौन होता है तो x का गुणांक, तो यहाँ माइनस है तो माइनस है, तो x का गुणांक कौन है 7 है तो 7 हो जाएगा, a का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी कि -7 तो बराबर में यहाँ -7, ये हो गया। अब यहाँ पे गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c/a हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपका कितना है तो -2 हो गया, इंटू बीटा का मान हो गया -5 बराबर, सी का वैल्यू यहाँ पे 10 है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ए का वैल्यू 1 ही है ना, पाई दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 10 बराबर आपका 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1 का 7, 1 का 7 में कह रहा है t² = 5, बहुत आसान है, इसका सबसे पहले शून्य निकालो, सॉल्यूशन लिखा हुआ है t² = -5, t² - 15 = 0 हो जाएगा, यहाँ पे t का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे t² = क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे t का वैल्यू आपका हो जाएगा ±√15, ठीक है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपका आएगा +15 और बीटा का वैल्यू आएगा -15√15। अब यहाँ पे जांच कर लो, अल्फा प्लस बीटा वाला, और पहले सबसे पहले निकालो, अल्फा प्लस बीटा वाला क्या हो जाएगा -b/a होता है, ठीक है, अल्फा का मान आपका +√15 है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दो, और बीटा का मान है -√15, तो यहाँ पे -√15 और बराबर बी का वैल्यू यहाँ पे x² का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है तो एक्स का गुणांक है ही नहीं तो -0 हो जाएगा, बट्टा ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस
में ये भी है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये घट जाएगा यानी कि जीरो बराबर आपका जीरो आ जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है सी बाई ए। सी का वैल्यू यहाँ पे अल्फा का सबसे पहले वैल्यू लिखिए प्लस रूट अंडर 15 और इंटू माइनस रूट अंडर 15 बराबर। सी का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं था, कितना है सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 15 दिया हुआ है और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 में 15 से ये गुना होगा रूट में रूट से, तो हट जाएगा रूट और 15 बच जाएगा, माइनस 15 बराबर इधर माइनस 15, ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। और है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कह रहा है 4a² - 4s + 1, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4a² करें माइनस 4s और प्लस 1 और बराबर में इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालें, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 4 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका जोड़ करके 4 आ जाए, गुना करके 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4 होता है और 2 दो 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस मिलाना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले कर ले 4a² माइनस यहाँ पे 2s कर लो, फिर माइनस 2s कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस में हमको लाना था प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर लो 2s कॉमन कर लो, 2s कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2s बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर कॉमन कर लो कितना 1 कॉमन कर लो, यहाँ पे 2s हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो 2s - 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2s - 1 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका निकलेगा 2s - 1 बराबर 0 यानी कि s बराबर आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी आपका s बराबर हो जाएगा 1/2 यानी कि अल्फा का मान एक आया है 1/2 और बीटा का भी मान आ गया है 1/2। आपको इसको जांच करना है तो जांच आप कर दीजिए फटाक से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान आपका क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस है तो प्लस और बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4 और माइनस हमारा ऑलरेडी आपका होता ही है तो -4 हो जाएगा यहाँ पे और बट्टा में ए का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो 2 का 2 हो जाएगा 1 + 1 और बराबर माइनस माइनस प्लस होता है 4/4, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा 4 एकम 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे रहने दो, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 बराबर 1, ये प्रूफ हो गया आपका। अब आगे गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, अल्फा का मान यहाँ 1/2 हो गया गुना 1/2 हो गया बराबर, सी का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या कर लो हाँ सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और बट्टा ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 का सारा प्रश्न सोल्यूशन हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 का देखेंगे सारे प्रश्न को। अगर आपको प्रश्न का सोल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।